नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और इस क्लास में मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ MPPSC प्रीलिम्स के यूनिट नंबर 1 में जो इतिहास का सिलेबस दिया उसके टॉपिक्स को। हम लोगों ने पिछली क्लास में MPPSC प्रीलिम्स के जो सिलेबस है इतिहास का, उसका पहला टॉपिक देखा था हमने। उसमें देखा था कि किस प्रकार से हमारे देश में प्राचीन ज्ञान परंपरा की अवधारणा रही है। आज हम भारतवर्ष की अवधारणा को देखने वाले हैं, देखेंगे कि भारतवर्ष की अवधारणा में आपसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। जो कन्फ्यूजन है आप लोगों का कि क्या पढ़ा जाए, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तो हम यहाँ देखने वाले हैं। बेसिकली भारतवर्ष के अंतर्गत हमें भारत की जानकारी दोस्तों बतानी होगी, भारत से संबंधित व्यवस्था को हम यहाँ देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग भारतवर्ष के नाम और इसकी व्यवस्था को देखेंगे। इसी चीज को हम ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे ना, तो ज्योग्राफी में जब भारत का भूगोल शुरू किया जाएगा तो वहां पर इसके पूरे प्रारूप को, इम्पोर्टेंट तथ्यों को देख लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब हम भारतवर्ष पढ़ेंगे तो ना केवल इसका नामकरण और क्षेत्र देखा जाएगा प्राचीन स्तर से लेकर अभी तक का, साथ ही साथ इसका क्षेत्रफल हुआ, इसके भूभाग हुए, इन सबको भी देखा जाएगा। तो इस इतिहास के लेक्चर में हम सिर्फ ऐतिहासिक व्यवस्थाओं को देखेंगे और भूगोल का जब लेक्चर होगा तो उसमें इसकी भौगोलिक व्यवस्था को देखेंगे, जिससे कि आपका एक कंप्लीट चैप्टर जो है भारतवर्ष का वो हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस लेक्चर को। भारतवर्ष की अवधारणा क्या रही है दोस्तों? भारतवर्ष की अवधारणा से पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि हमें प्राचीन पौराणिक शास्त्रों को जब हम देखते हैं, हमारे ग्रंथों को देखते हैं, तो उसमें किस प्रकार की व्यवस्था में पृथ्वी के बारे में देखने को मिलती है। जनरली अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को देखें जो आधुनिक काल में दी गई है, जैसे अल्फ्रेड वेगनर का सिद्धांत देखा जाए, उसमें क्लियर ये बताया गया है कि किस प्रकार से महाद्वीपों का निर्माण हुआ और 7 महाद्वीप जो हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप, ये 7 महाद्वीप बता दिए गए, 5 महासागर बता दिए गए हैं। लेकिन अगर हम भारत की पौराणिक ग्रंथों के आधार पर देखें तो प्रारंभ में इस पूरी पृथ्वी को हम अलग अलग इन द्वीपों के तौर पर या महाद्वीपों के तौर पर देखते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी को हम यहाँ इन द्वीपों में विभाजित देखते हैं। क्लियर? इस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो सप्त द्वीपों की अवधारणा हमें देखने को मिलती है। आधुनिक जो साइंटिफिक व्याख्या इस प्रकार के देखने को मिली आज, उसमें भी 7 महाद्वीप बताए गए हैं और भारत के पौराणिक ग्रंथों में आज से हजारों साल पहले ही ये सप्त द्वीपों की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया गया था। अंतर यही है कि बाद के लोगों ने इस व्यवस्था को अलग प्रकार से प्रस्तुत कर दिया और हमारे शास्त्रों में इसको प्रारंभिक स्थिति के अनुसार बताया गया। इन सप्त द्वीपों की अवधारणा में जब देखते हैं तो इंपॉर्टेंट एक पुष्कर द्वीप देखने को मिलता है, हमें शाल्मली द्वीप देखने को मिलता है, क्रोंच द्वीप, ये क्रोंच लिखा हुआ है ना, क्रोंच द्वीप जो है वो हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा शक द्वीप, कुश द्वीप, प्लक्ष द्वीप और अधिकतर लोग जिस शब्द से रूबरू हैं वो है जम्बू द्वीप। रामायण सीरियल सभी ने देखा है, सॉन्ग सभी ने सुना है लव कुश का, जिसमें क्लियर बताया जाता है कि भारतवर्षे जम्बू द्वीपे। तो जम्बू द्वीप का नाम सब लोग फैमिलियर हैं, लेकिन उसके अलावा ये जो 6 नाम है वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये सप्त द्वीपों की अवधारणा थी कि पूरी पृथ्वी को इन 7 द्वीपों में प्रारंभ में विभाजित किया गया था, जिसमें से हमारा देश जो है वो जम्बू द्वीप का हिस्सा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कौन से द्वीप का? जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जो हिंद महासागर के उत्तर का प्रदेश रहा है उसको बोला गया है। इस प्रदेश का नाम जम्बूद्वीप इसलिए पड़ा होगा क्योंकि जम्बू शब्द जो है वो संस्कृत से निकला है और यहां पर इसका मतलब होता है जामुन। तो इस पूरे प्रदेश पे जामुन के वृक्षों की अधिकता थी, इसलिए इस पूरे प्रदेश को जम्बूद्वीप कहा गया है। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आप इसका यूरोप का बहुत सारा हिस्सा ले सकते हैं, रूस का बहुत सारा हिस्सा ले सकते हैं, बहुत सारा हिस्सा चाइना का, और वहां से लेके आप भारत तक के प्रदेश तक आ जाइए, पूरा के पूरा प्रदेश उस समय जम्बूद्वीप के नाम से जाना जाता था। बहुत बड़ा क्षेत्रफल था ये और इसी का हिस्सा है हमारा देश। अब हम बात करते हैं दोस्तों भारतवर्ष की, भारत की। तो जम्बूद्वीप आप लोगों को नाम मिला, लेकिन अगर हम हमारे देश के नाम की बात करें कि हमें भारतवर्ष कहा गया है, तो जो पौराणिक कथाएं हैं, हमारे देश के ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, इसमें हम लोग कालिदास जी के अभिज्ञान शकुंतलम के एक वर्णन को भी ले सकते हैं कि पुरुवंश के राजा रहे और उन राजा का नाम था दुष्यंत, उनकी वाइफ थी शकुंतला, उनके पुत्र का नाम था भरत। तो जो राजा भरत थे उनके साम्राज्य के कारण भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो राजा भरत का आप लोग याद रखिएगा कि दुष्यंत जी और शकुंतला के पुत्र थे ये, और इन्हीं के साम्राज्य के आधार पर, इन्हीं के नाम पर भारत का नाम भी यहां पर हमें भारतवर्ष देखने को मिलता है। ये पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है दोस्तों,
सबूतों के साथ। इसके अलावा हम अन्य नामों से भी भारत को जानते हैं। अब ये अन्य नाम कैसे पड़े, तो ध्यान रखिए भारत की जो भूमि है वो इस दुनिया की प्राचीनतम एक व्यवस्थित संस्कृति और सभ्यता वाली भूमि है। ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता आपको दुनिया में किसी और जगह पर नहीं देखने को मिलती, ये ध्यान रखिएगा। तो अपने आप में भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता अद्वितीय है। इस संस्कृति पर, इस सभ्यता की विशेषताएं पूरे विश्व में प्रचलित थी। इसकी जो विशेषताएं, उसमें भौगोलिक विशेषता हो, यहाँ की आर्थिक संपन्नता हो, यहाँ की सारी चीजें जब दुनिया को पता थी, तो हर एक व्यक्ति ने, हर एक राजा ने, मतलब मैक्सिमम साम्राज्य जो रहे प्रचलित, उन्होंने भारत पर अपना हक जमाने का प्रयास किया। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक हम देखें तो भारत अलग अलग राज्यों में बंटा रहा, अलग अलग शक्तियों ने यहाँ पर राज किया, और जो शक्तियाँ भारत पर राज करी दोस्तों, उन्होंने अपने हिसाब से इसकी व्यवस्था में बदलाव करने का कोशिश किया, उन्होंने अपने हिसाब से इसका नाम भी यहाँ पर दिया। तो हम वही चीज देखें तो हमें हमारे देश का नाम क्या मिलता है, भारतवर्ष। भारतवर्ष पर जब समय समय पर अलग अलग लोग आए तो इसका नाम बदला है। जैसे इसे आर्यवर्त कहा गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता रही, उस सभ्यता को खत्म करके यहां पर आर्यों ने अपना निवास बनाया, एक ग्रामीण सभ्यता। याद रखिएगा आर्य जब भारत आए तो आर्य ने यहां पर, हमारे यहां पर एक ग्रामीण सभ्यता का विकास किया। अब ये ग्रामीण सभ्यता जो रही इसे ब्रह्मावर्त भी कहा गया है और आर्य भी कहा गया है। तो आर्यवर्त आर्यों के निवास के कारण कहा गया है। भारत भूमि के नाम से ये फेमस है ही। इसके अलावा हिंद और हिंदुस्तान शब्द भी हमें देखने को मिलते हैं। अब हिंद और हिंदुस्तान शब्द के पीछे क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि जब हमारे देश में ईरानियों ने, फारसी जो रहे इनका प्रवेश हुआ, ईरानियों का प्रवेश हुआ हमारे देश में, है ना, तो ईरानियों का प्रवेश हुआ तो इनके एक टंग प्रॉब्लम था, जीवान की एक समस्या थी। समस्या क्या रही कि इन्हें देखने को मिली कौन सी नदी, सिंधु नदी। अब यह सिंधु नदी जो थी तो इन्होंने क्या किया, स का उच्चारण किया ह, स का उच्चारण किया ह, तो सिंधु से हो गया हिंदू, और अपभ्रंश जो शब्द निकला है वो क्या निकला है इसके, वो निकला हिंद, अपभ्रंश हुआ, और यहीं से भारत का नाम जो है वो दोस्तों वो हिंदुस्तान भी हमें दिखाई पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं ईरानियों की देन रहा कि उन्होंने स को ह कर दिया। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं जनरली, सप्ताह, सात दिनों का समूह है सप्ताह, इसको वो लोग क्या कहते थे, हफ्ता, बराबर, क्योंकि स का उच्चारण क्या हुआ, ह हुआ। तो यहां से हमारा देश का नाम हिंदुस्तान पड़ गया दोस्तों। अब हम हिंदुस्तान भी पढ़े, इसके अलावा हिंद भूमि हमें कहा गया, अजनाब वर्ष हमें कहा गया, एक शब्द मिलता है हमें इंडिया। इंडिया शब्द को लेकर यह कहा जाता है कि यूनानी भारत आए, यूनानियों ने देखा कि यहां पर सिंधु है, इसको कह दिया क्या, इंडस, और इंडस को कहा, तो पहली जो सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता उसको इंडस वैली सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया, इंडस वैली सभ्यता कहा गया। यही शब्द लैटिन भाषा में गया, अंग्रेजों ने देखा इंडस वैली के आधार पर देश का नाम कर दिया इंडिया, तो अंग्रेजों ने क्या नाम रखा इसका, इंडिया किया है। जम्बूद्वीप हमें कहते हैं, हिमवर्ष कहा जाता है क्योंकि हिमालय और इसका पूरा इलाका हिम से ढका होता था। भारतखंड, भारतखंड भारत की एक भूमि है, इसके आधार पर इसका नाम भारतखंड मिला है। अल हिंद हो, ग्यागर हो, फग्युल हो, तियांझ हो, होंडू, ये सभी नाम हमारे देश के पुराने नाम हैं। तो ये बताते हैं कि समय समय पर अलग अलग सत्ताओं का शासन रहा, तो अलग अलग व्यवस्थाएं मौजूद थी। 1947 में आजाद होते हैं हम, आजादी के बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया चलती है और 1950 में संविधान लागू हो जाता है 26 जनवरी को पूरी तरीके से। इसमें भारत को लेकर कहा गया है क्या, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत शब्द भारतीय संविधान के भाग एक अनुच्छेद एक में दिया गया है। यहां से हम भारत गणराज्य के तौर पर दिखाई पड़ते हैं दोस्तों। तो भारत एक रिपब्लिक, एक गणराज्य के तौर पर यहां पर स्थापित है। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो इंडिया नाम जो ज्यादा प्रचलित है, हमें भारत और इंडिया नाम को हमने संविधान में जगह दी है, तो इंडिया भी है और भारत भी है। लेकिन आधुनिक समय में जब इंडिया और भारत की एक विवाद छिड़ा नाम को लेकर, जब इंडी गठबंधन जो है वो बना उसके बाद, तो ये दोबारा से कहीं ना कहीं हाईलाइट हुआ। तब ये मांग की जा रही है कि इसको भारत अर्थात इंडिया किया जाए या इंडिया नाम हमारे देश से हटाई दिया जाना चाहिए। क्यों,
क्योंकि इंडिया जो है वो हमें अंग्रेजों की गुलामी का कहीं ना कहीं एक महसूस कराता है चीज को। तो हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए। इसी व्यवस्था चल रही है, अनुच्छेद 1 में संशोधन की बात भी चल रही है कि नाम बदले, लेकिन नाम तो हमारा भारत है ही, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम प्राचीन काल से भारतवर्ष के तौर पर स्थापित हैं। अब यहाँ एक और चीज समझिएगा कि अगर संविधान में संशोधन करेंगे वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया शब्द किस चीज का पर्याय बन गया है? ये गुलामी की व्यवस्था को हमें दर्शाता है। लेकिन नाम बदलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर इंडिया के रूप में आप लोग जाने जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश में ही एक और यहां पर बहस होती है, वो एक और बहस क्या है? आधुनिक और पारंपरिक की बहस। उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, डिस्कशन का मुद्दा है। आधुनिक और पारंपरिक होने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नाम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर हम परंपरागत तौर पर देखें तो भारत, और आधुनिक तौर पर देखें तो इंडिया यूज किया जाता है। अब इंडिया किसके लिए? शहरी वर्ग के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और भारत किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? ग्रामीण व्यवस्था के लिए। तो जो भारत में वेस्टर्न कल्चर को, मॉडर्न व्यवस्था को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके लिए इंडिया शब्द हो गया, और जो लोग ग्रामीण परंपरागत भारतीय व्यवस्था के पक्षधर हैं उनके लिए ये भारत कहलाने लगा है। तो राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखें तो इस प्रकार की चर्चाएं भी हमारे देश में मौजूद हैं, लेकिन भारत का नाम भारतवर्ष इसके अलावा इन सभी नामों से भारत जाना गया है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो भारत का जो पूरा प्रदेश रहा है दोस्तों, उसके 9 भाग थे। आज अगर हम देश की व्यवस्था को देखें तो हमें पूरा भारत, एक भारतीय उपमहाद्वीप का नाम ले लें तो यहां पर हम लोगों को भारत के 7 पड़ोसी देश दिखाई पड़ते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा रहे हैं। और भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में वर्तमान में विभाजित है, परंतु अगर हम भारत वर्ष के पुराने भागों की बात करें, पौराणिक पृष्ठभूमि की बात करें, तो भारत के 9 भाग थे, जिसमें इंद्रद्वीप, कसेरु, ताम्रपर्णी, गवसिस्तान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर, ये हमारे 9 प्रदेश जो हैं ये दिखाई पड़ते हैं। मतलब भारत के पूरे भौगोलिक प्रदेश को हम इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो हमारे भारतवर्ष की अवधारणा को दोस्तों स्पष्ट करता है। तो इस व्याख्या को जो हमने आज देखी है उस व्याख्या से ये बात स्पष्ट होती है कि भारत जो है वो समय समय पर अलग अलग नामों से जाना गया। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा जो भी होगा, बराबर है, क्लियर दोस्तों। तो ये भारतवर्ष की अवधारणा पे हमारा एक शॉर्ट डिस्कशन रहा। अगले लेक्चर में हम लोग यूनिट 1 के ही अगले टॉपिक वेद जो दिया है उस पर डिस्कशन करेंगे, चारों वेद और उनके उपवेद, और उनमें क्या क्या सामग्री दी गई है, उनसे संबंधित ऋषि, उनके अंदर दिए विषय वस्तु, सबके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप कि आपको भारतवर्ष की अवधारणा में ये पूरी व्यवस्था समझ में आई होगी, इसको लिख लीजिएगा और व्यवस्थित तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाद में हम एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे पता चलेगा कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, ठीक है। मिलता हूँ अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।